चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, जिसके चलते पहले सतीश मावी की अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति की अवैध कॉलोनी के ध्वस्तीकरण के विरोध में भारी हंगामा हुआ। लोग मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले भी एक बार इसी कॉलोनी से एमडीए की टीम को बैरंग लौटाया जा चुका है। ये मेरा फार्म हाउस है, 4 साल पहले मैंने खरीदा था। इसमें मैंने रोड वगैरह डाल के अपना गेट लगाया है। ये फार्म हाउस है, ये गौशाला बनेगी विकल्प परसों यहाँ पे। मगर शासन प्रशासन को अभी जो हमारी जनचेतना यात्रा निकली है, उसे ये लग रहा है कि प्रजापति जाग गया है, इसे दबाने के लिए ये मेरे फार्म हाउस को ढाने के लिए आए हुए हैं। अभी दोबारा आएंगे लोग, अभी इकट्ठे हुए तो अभी हमारा समाज भी और सभी समाज यहाँ इकट्ठा है। तो हम अपना इनका बता रहे हैं कि ये हमारा फार्म हाउस है। हम तो फार्म हाउस का गौशाला बना देंगे कल से, हम नहीं इसे प्रोटिंग कर रहे। ये सतीश मावी द्वारा ये कॉलोनी लगभग 6700 स्क्वायर मीटर में है और इनके द्वारा बिना नक्शा पास कराए ये कॉलोनी बनाई गई है, जिसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए प्रॉपर सुनवाई का अवसर दिया, उसके बाद ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए, फिर ये कार्रवाई की जा रही है। किस किस की जमीनों पर यह कार्रवाई होनी है आज आपकी बिल्डोजर की? ये कौन सी जमीन है? ये दो आज दो प्रस्तावित है और वैसे प्राधिकरण द्वारा रोजाना ही लगभग पूरे मेरठ में अवैध कॉलोनी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है यूपी के मेरठ से। ये जानकारी बुलडोजर कार्रवाई पर बसपा नेता का हंगामा देखने को मिला। प्राधिकरण के अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है। तो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चल रहा है, जैसे कि तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर बसपा नेता हंगामा कर रहे हैं और ये हंगामा करते हुए की भी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बुलडोजर कार्रवाई पर बसपा नेता का हंगामा देखने को मिल रहा है। प्राधिकरण के अधिकारियों पर आरोप लगाया। अवैध कॉलोनियों पर बाबा का बुलडोजर अब चल रहा है, जिसकी तस्वीर के माध्यम से भी आप देख रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर बसपा नेता का हंगामा देखने को मिला है। प्राधिकरण के अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है। तो अवैध कॉलोनियों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है यूपी के मेरठ से। जानकारी बुलडोजर कार्रवाई पर बसपा नेता का हंगामा देखने को मिला है। प्राधिकरण के अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है। ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी के मेरठ से ये तस्वीर है जहां पर अवैध कॉलोनियों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है और जो बसपा के नेता है वो जोरदार हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं यूपी के मेरठ से। ये जानकारी और प्राधिकरण के अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है। अवैध कॉलोनियों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर कार्रवाई पर बसपा के नेता अब हंगामा करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि तस्वीर के माध्यम से भी हमने आपको दिखाया। जो बसपा के नेता है, कार्यकर्ता है, वो अब नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं।